इस समाज का बिखराव समाज की बर्बादी का एक मुख्य कारण बनकर के सामने आया है। ये कड़वा सच है कि दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ जब बैठते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत मीठी बातें करते हैं, और जैसे ही वो दोनों आपस में अलग होते हैं तो उनकी भावना एक दूसरे के प्रति अच्छी नहीं होती। और मैं अपने संबोधन में पूरे देश में ये संदेश देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक दूसरे से प्यार करिए, एक दूसरे से साथ मिलिए, एक दूसरे को अपना भाई मानिए, एक दूसरे को अपना सहयोग बढ़ाइए। और आपके सवाल का एक और जवाब ये बनता है जो अभी मिलिंद गौतम साहब ने कहा कि बहुत सारे संगठन हैं जो अपने अपने तरीके से संविधान दिवस को मनाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि सबको अपने अपने तरीके से संविधान दिवस को मनाने की आज बहुत महत्वपूर्ण जो है जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है और हमको उसको हमको मनाना चाहिए। लेकिन ये जो अभी एक सवाल शुरू में आता है कि ताल कटोरा में होने वाला, पहले तो ये सभी आपके टीवी चैनल के माध्यम से हमारे सभी जो लोग हमको देख रहे हैं सब लोगों को इस बात का ज्ञान होगा कि ताल कटोरा स्टेडियम के मामले में एक बहुत बड़ा स्टेडियम दिल्ली में माना जाता है। उसको भरने के लिए बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां बहुत बड़ी बड़ी मेहनत करती हैं, लेकिन ये हमारा समाज का सौभाग्य है, हमारे संगठन का सौभाग्य है, हमारे भाई बहनों का सौभाग्य है कि हम लोगों ने एक बार नहीं दो दो बार इस ताल कटोरा को इतना सक्सेसफुली भरा है जिसके लिए पूरी दुनिया के लोग इसके साक्षी हैं। और तीसरा प्रयास अब ये आप सबके सहयोग से, मैं तो ये कहूंगा कि आज सोशल मीडिया जो हमारा आया है, इतनी भारी संख्या में आज सोशल मीडिया आया है, आप सबका मैं एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये जिम्मेदारी महासंघ की ही नहीं है, ये जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये जिम्मेदारी समाज के हर उस व्यक्ति की है जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से प्यार करता है, चाहे वो व्यक्ति IAS है, चाहे वो IPS है, चाहे वो मिनिस्टर है, चाहे वो सोशल मीडिया रन कर रहा है, चाहे सरकार की नौकरी में है या किसी प्राइवेट नौकरी में है, जो जहां भी है, मेरा ऐसा मानना है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर से और उनके बनाए हुए संविधान से प्यार करता है और उस संविधान से छेड़छाड़ करने की किसी भी कोशिश को वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। और अगर हम सब लोग एकमत हैं तो कहना हमारे राजकुमार साहब का, जो बैंक ऑफ बड़ौदा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, कि उस दिन की समस्या ताल कटोरा में ये नहीं कि वो भरा कैसे जाएगा, बल्कि ताल कटोरा में लोगों के बैठाने की व्यवस्था हमको सुनिश्चित करनी चाहिए। और मेरा मानना यह है कि हमारा सोशल मीडिया जिसने 2 अप्रैल को एक इतिहास बना दिया, भारत की सरकार को झुका दिया, ये सोशल मीडिया का ही कमाल था कि 2 अप्रैल को इतना बड़ा आंदोलन बिना किसी नेता के देश की धरती पर एक नया इतिहास बना के चला गया और भारत की सरकार को झुकना पड़ा और उनको संविधान में संशोधन करके SC ST एट्रोसिटी एक्ट को अमेंड करना पड़ा। मैं ये मानता हूं कि हमारा जो सोशल मीडिया है ये एक बार पुनः 26 नवंबर के इस कार्यक्रम को इतना ऐतिहासिक बनाएगा कि ताल कटोरा में हमारे समाज के लोग जब आएंगे तो वास्तव में उनको बैठने की व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी, व्यवस्था हमको बढ़ानी पड़ेगी। तो आपके सवाल का जवाब ये है जो आपने अभी पूछा कि बाबा साहब अम्बेडकर विषम परिस्थितियों में इतना काम करके चले गए, लेकिन आज जो हमारे संगठन इतने सारे काम कर रहे हैं, मैं यही उसका जवाब दूंगा कि संगठनों को सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। अगर महेंद्र सिंह टिकैत जाट नेता के रूप में एक अनपढ़ व्यक्ति को स्वीकार करके और पूरी दुनिया में एक मैसेज क्रिएट कर सकते हैं और महेंद्र सिंह टिकैत का फोटो वर्ल्ड की जो फोर्ब्स मैगजीन के फ्रंट पेज पर छप सकता है, तो मुझे लगता है कि हमें नेतृत्व की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें अपने आंदोलन की चिंता करनी चाहिए। और हम फिर एक बार स्पष्ट करना चाहते हैं समाज को कि ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम के अंदर किसी भी संगठन का बैनर मेन स्ट्रीम में नहीं होगा, सिर्फ वहां पर लिखा होगा बहुजन समाज और सब लोग अपना अपना बैनर लेकर आएंगे। इसलिए बैनर की कोई आदमी चिंता ना करे कि भाई किसी पर्टिकुलर संगठन का वहां बैनर लगाया जा रहा है, वहां आप सबका बैनर होगा, हम सबका बैनर होगा, मेन बैनर जो होगा उस पर लिखा होगा क्या, बहुजन समाज और संविधान बचाओ, ये उसमें लिखा होगा। इसलिए कोई व्यक्ति ये सोचे कि साहब ये फलाने बैनर के नीचे हो रहा ना, जैसे हमने 2 अप्रैल को पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जो बैनर लगाया था उस पर किसी भी संगठन का नाम नहीं था, मुझे लगता है उसमें हमारे समाज का ही नाम था। वही प्रयोग हम लोग ताल कटोरा में कर रहे हैं,
हमारे समाज का बैनर होगा, बहुजन समाज का बैनर होगा, हमारे अपने संगठनों के बैनर साइड में अलग लगे होंगे, और जो भी संगठन हमारे काम कर रहे हैं देश और देश में के कोने कोने में, आप सब लोग अपने बैनरों के साथ आइए, अपने बैनरों के साथ मार्च करते हुए एंटर करिए, अपने बैनर्स को तालकटोरा के स्टेडियम के अंदर लगाइए, अपने फोटो लगाइए, और आप इस आंदोलन का हिस्सा बनिए, और भारत की सरकार को एक मैसेज दीजिएगा कि अगर अनंत हेगड़े साहब सरकार के मंत्री संविधान बदलने की बात करते हैं और भारत की सरकार की तरफ से उनके बयान पर कोई खंडन नहीं आता है, तो इस बात को अनुसूचित जाति जनजाति समाज बहुजन समाज किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा, नहीं करेगा और नहीं करेगा। और संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की या संविधान को बदलने की कोई भी कोशिश होगी तो उसका बहुजन समाज मुंह तोड़ जवाब देगा।